प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र व महत्व। इससे पूर्व हम लोगों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र व महत्व। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है उसको हम तीन भागों में मोटे तौर पर बांट सकते हैं, वृहद स्तरीय, मध्य स्तरीय व लघु स्तरीय। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र जो है वो विश्वव्यापी है। किसी भी देश के आंतरिक प्रशासनिक संगठनों का अंतर्देशीय अध्ययन भी हो सकता है, तो किन्हीं दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी किया जा सकता है। वृहद स्तरीय अध्ययन की हम जब बात करते हैं, जिसको हम मैक्रो लेवल स्टडी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, जब किन्हीं दो या दो से अधिक देशों के संपूर्ण प्रशासकीय ढांचे या हम कहें कि उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृहद स्तरीय अध्ययन कहते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, पूरे देशों का संपूर्ण ये जो देश हैं, इनका यदि हम उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो किस श्रेणी में आएगा, वृहद स्तरीय अध्ययन की श्रेणी में आएगा। उसमें उनका सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, पर्यावरण के साथ साथ उनके जो संवैधानिक प्रावधान हैं या जो वहाँ जो प्रवर्तित प्रशासनिक विशेषताएँ या जो कार्य प्रणालियाँ हैं, उन सभी का क्या अध्ययन होता है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वृहद स्तरीय अध्ययन। इसके पश्चात दूसरा जो है वो है हमारा मध्य स्तरीय अध्ययन, इसको हम कहते हैं मीडियम या मीजो लेवल स्टडी। इसके अंतर्गत उन अध्ययनों को शामिल किया जाता है जो न तो बहुत ज़्यादा व्यापक या वृहद हैं और ना ही अत्यंत सूक्ष्म या लघु हैं। इन अध्ययनों के अंतर्गत हम किसी देश के प्रशासनिक तंत्र के किसी एक भाग की दूसरे देश के उसी भाग से परस्पर तुलना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि भारत की नौकरशाही या जो लोक सेवाएं हैं उनका ब्रिटेन की लोक सेवाओं से यदि हम तुलना करें तो वो क्या कहलाएगा, मध्य स्तरीय अध्ययन कहलाएगा। या हम कहें भारत की जो स्थानीय शासन की जो प्रणाली है उसका फ्रांस की जो नगरीय सरकार है उससे तुलना करें तो वो क्या कहलाएगा, मध्य स्तरीय अध्ययन कहलाएगा। मध्य स्तरीय जो अध्ययन है उसका उद्देश्य किसी समस्या या क्षेत्र विशेष के जो गुण दोष हैं उनको जानकर एक सामान्यकृत नियम बनाने को या बनाने के और उनका मुख्य ध्यान रहता है। इसके पश्चात तीसरा जो है वो है लघु स्तरीय अध्ययन, इसको हम माइक्रो लेवल स्टडी भी कहते हैं। वर्तमान में लोक प्रशासन सहित अधिकांश जो सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम नृविज्ञान भी कहते हैं, सोशियोलॉजी तथा पॉलिटिकल साइंस, इनमें वृहद स्तरीय अनुसंधान के बजाय किसी एक इकाई की समस्या का गंभीर तथा गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासन की किसी कार्य प्रणाली, प्रक्रिया या विशिष्ट समस्या, जैसे हड़ताल करना है, फाइलों का निस्तारण है, भ्रष्टाचार की समस्या है, कार्मिकों की एब्सेंटी है या ट्रेनिंग की जो पद्धतियां हैं, कोई भी एक बिंदु को लेकर उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है।
तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, लघु स्तरीय अध्ययन कहलाता है। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन समान स्तरों पर यानी सम स्तरीय या असमान स्तरों पर यानी विषम स्तरीय भी संचालित किए जाते हैं, जैसे अमेरिका के राज्य प्रशासन का भारत के राज्य प्रशासन के साथ सम स्तरीय है, जबकि भारत के जिला प्रशासन का अमेरिका के राज्य प्रशासन के साथ विषम स्तरीय अध्ययन है। तो सम स्तरीय विषम स्तरीय अध्ययन भी होते हैं। कार्य की प्रकृति की दृष्टि से हम देखें तो लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है उसके निम्न क्षेत्र हो सकते हैं। पहला है बहुराष्ट्रीय विश्लेषण, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है और हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कि नहीं, दो देशों, दो या दो से अधिक देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है, तो इस प्रकार का जो है उसको हम क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय विश्लेषण कहेंगे या अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे। दूसरा आता है अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब है किसी एक देश के अंदर ही, जबकि एक ही देश की दो संस्थाओं जैसे रेलवे बोर्ड है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनका परस्पर अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्देशीय कहा जाता है। तीसरा आता है अंतर सांस्कृतिक। इसका मतलब ये है कि जैसे अमेरिका की लोक सेवाओं का भारत की लोक सेवकों का जनता पर जो व्यवहार है उसका अध्ययन जो है वो क्या है, अंतर सांस्कृतिक है, यानी किन्हीं दो संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना प्रशासनिक दृष्टिकोण से। अगला जो है वो है समसामयिक। इसको हम संकर सामयिक भी कह सकते हैं, कंटेम्प्रेरी। जैसे आज के भारत की जापान से तुलना समसामयिक है, किंतु आज के भारतीय प्रशासन की मौर्य काल से तुलना क्या है, संकर सामयिक है। तो समसामयिक और संकर सामयिक अलग अलग चीज़ें हैं। तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययनों में हम विकासशील, विकसित और पिछड़े हुए देश हैं उनके बीच में भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह अंतर संरचनात्मक, अंतर संस्थागत, यानी किन्हीं दो संरचनाओं के बीच में, किन्हीं दो संस्थाओं के बीच में, किन्हीं दो कानूनों के बीच में या किन्हीं दो पर्यावरणों के बीच में भी ये हो सकता है। जैसे भारत के मंत्रिमंडल सचिवालय के ढांचे की ब्रिटेन के मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन से तुलना अंतर संगठनात्मक या संस्थागत है। तो इस प्रकार से क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के ये क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है उसके महत्व के बारे में थोड़ा देखते हैं। लोक प्रशासन को ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस के संदर्भ में समझने की अपेक्षा इसे संपूर्ण विश्व के लिए समान वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने के क्रम में तुलनात्मक अध्ययन का विशिष्ट महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन की विचारधाराएं तथा अनुसंधान की प्रवृत्तियां निस्संदेह इस विषय को लोकप्रियता के शिखर पर ले गई हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों ने क्षेत्रवाद या स्थानीयवाद जो है उसकी संकीर्णताओं को समाप्त किया है और इस विषय को क्या है, एक व्यापक रूप प्रदान किया है। मेथडोलॉजी जो है, प्रविधि है, उस पर आधारित तुलनात्मक लोक प्रशासन ने सिद्धांत निर्माण की दिशा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है, जिससे क्या है, सामाजिक विश्लेषण के क्षेत्र को
विस्तृत बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के महत्व को इंगित करते हुए एडवर्ड सील्स कहते हैं कि विभिन्न समाजों की व्यवस्थित तुलना करके उसकी समरूपता व विलक्षणताओं को इंगित तौर पर स्पष्ट किया जा सकता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन की इस अवधारणा ने निस्संदेह राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन की दूरियां कम की है, जो विकास प्रशासन व नीति विज्ञान के क्रियान्वयन के लिए जरूरी भी है। तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है, इसके महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। पहला ये है कि इसके कारण सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, व्यापक हुआ है। जो पूर्व में क्या था, सीमित था। व्यापक कैसे हुआ है, क्योंकि हम लोग अब क्या है, पर्यावरणीय जो घटक हैं उनको शामिल कर रहे हैं। अर्थात प्रशासन के चारों ओर जो विभिन्न कारक हैं, जैसे चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, उन सब को हम शामिल कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है, उसका क्षेत्र क्या हुआ है, व्यापक हुआ है। पहले क्या ये चीज़ें प्रशासन में नहीं देखी जाती थी, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से क्या है, वो क्या था, सीमित था, संकीर्ण था या स्थूल प्रकृति का था। दूसरा महत्व इस बात से है तुलनात्मक लोक प्रशासन का कि इसके अध्ययनों ने प्रशासन के क्षेत्र में सिद्धांत निर्माण तथा सामान्यकरण को बढ़ावा दिया। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि इसका सिद्धांत निर्माण और सामान्यकरण पर क्या है, जोर रहता है, क्योंकि कंपेयर करोगे तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, जिससे क्या है, सामान्यकरण और सिद्धांत निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा महत्व तुलनात्मक लोक प्रशासन का इस बात से है कि यह अध्ययन पद्धति में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। अतः आत्म केंद्रित रहने या स्व संस्कृति से अबद्ध रहने के स्थान पर यह व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है, क्योंकि पहले वाला जो परंपरागत दृष्टि प्रशासन था, लोक प्रशासन था, वो क्या है, स्वयं के तक ही सीमित था। दूसरी जो व्यवस्था है उसमें क्या कुछ चल रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं था। इसलिए जब कंपेयर किया गया तो उसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी था। चौथा जो महत्व है इस अध्ययन पत्र में, केवल वर्णात्मक विवरण नहीं है बल्कि तुलनात्मक विश्लेषण है। पहले वाले में क्या था, एक डिटेल थी, वर्णन निवर्णन चलता था, कंपेयर नहीं था। तो ये क्या है, तुलनात्मक प्रशासन में तुलनात्मक विश्लेषण को बढ़ावा देता है। अगला महत्व है कि इसने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पत्र ने विभिन्न देशों की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनके मध्य तुलना व विश्लेषण को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, एक दूसरे के अनुभव से लोग क्या है, सीखे और उनसे क्या है, कुछ सार्थक निष्कर्ष भी निकले। कई देशों में कुछ अच्छी चीज़ें थी उसको उन्होंने अपनाया, कईयों में जो कमियां थी तो दूसरे देशों की पद्धतियों से उन्होंने उन कमियों को दूर किया। तो इस प्रकार से क्या है, मतलब विचारों का एक साझीकरण हुआ और उससे क्या है, एक नई चीज़ उत्पन्न हुई। अगला महत्व इस बात से है कि लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और प्रशासकों को एक दूसरे देशों की व्यवस्था को समझने में मदद हुई और इससे क्या है, जो विषय है उसका क्षितिज जो है, उसका दायरा जो है, वो क्या है, विस्तृत हुआ। इस प्रकार से क्या है, जो लोक प्रशासन है वो तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है वो एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रवृत्ति को लिए हुए एक विश्वव्यापी अवधारणा है, जो सामान्यकृत सिद्धांत विकसित करने की ओर क्या है, उत्सुक रहती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज तुलनात्मक लोक प्रशासन जो है उसके क्षेत्र व महत्व को समझा। आपको इसमें किसी प्रकार की कोई शंका या जिज्ञासा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से
जानकारी ले सकते हैं।